बीटा फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। अगर हम इसे टेंसर आई जे अगर इस तरीके से लिखें, डेल्टा आई एन जे, डेल्टा आई एन जे, इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस वन इफ आई इज इक्वल्स टू जे, एंड जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इस तरह का कोई भी फंक्शन अगर आपको पता है तो उसको हम क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन कहते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये कौन सा टेंसर है? इसको हम कहते हैं कोवेरिएंट टेंसर, राइट? अगर इसमें जो है ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के फॉर्म में लिखा है तब भी इसकी वैल्यूज सिमिलर होती हैं। इफ आई इज इक्वल टू जे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ मिक्स टेंसर, ठीक है? तो इनमें से किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, चाहे वो मिक्स टेंसर के फॉर्म में लिखा जाए, चाहे कॉन्ट्रावेरिएंट, या फिर वो मिक्स्ड कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के फॉर्म में लिखा। अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसकी प्रॉपर्टी जो है ऐसी है तो हम उसे कहेंगे क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, एग्जाम्पल, राइट? आप मुझे ये बताइए, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल वाई, ये क्या होता है? डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल टू, आप कहेंगे जीरो है, क्योंकि वो एक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वाई, राइट? तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। और इसकी जगह आप लिखें अगर डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स, तब ये क्या हो जाएगी? वन। और इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें, इन दोनों इक्वेशंस को इन वन इंटू वन फॉर्म, इंटू वन इक्वेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल एक्स वन डिवाइडेड बाई डेल एक्स टू इक्वल टू जीरो, एंड डेल एक्स वन डिवाइडेड बाई डेल एक्स वन इक्वल टू वन, जहाँ पे एक्स वन इक्वल टू एक्स हो जा रहा है, एक्स टू इक्वल टू वाई, एंड एक्स थ्री इक्वल टू जेड लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? डेल एक्स आई डिवाइडेड बाई डेल एक्स जे इज इक्वल टू वन प्लस वन इफ आई इज इक्वल टू जे, एंड जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट? तो इस तरह का जो फॉर्म है डेल एक्स आई डिवाइडेड बाई डेल एक्स जे, ये क्या है? एक तरीके का हमारा क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन हो गया है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज यस देख लीजिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, राइट? पहली एक है डेल आई जे, ठीक है? डेल आई जे हमारा क्रोनेकर डेल्टा हो गया। इसकी जगह हम अगर लिखें डेल आई आई, राइट? डेल आई आई अगर हम इस तरीके से लिखें, एक आई ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में, एक आई नीचे, तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस टर्म? क्योंकि ये डबल सिंबल है, रनिंग इंडेक्स हो गया, तो इसका मतलब क्या है? आई इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन, राइट? उस केस में क्या हो जाएगा? डेल वन वन प्लस डेल वन टू 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 प्लस डेल थ्री थ्री, एंड इट्स रनिंग अप टू एन। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वन प्लस वन प्लस वन, एंड इट इज गोइंग अप टू एन। सो दिस इज एन। सो डेल आई आई इज इक्वल टू एन, ये आप ध्यान रखिए, राइट? इस तरीके से हम क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी यूजफुल, एंड दिस इज टू डायमेंशनल। इसके अलावा हम जो है लेविसी बीटा फंक्शन टेंसर सिंबल, ठीक है? आप इसे फंक्शन के लिए, टेंसर के लिए, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो लेविसी बीटा सिंबल इज डिफाइंड बाय दिस एप्सिलॉन सिंबल, राइट? और ये टू डायमेंशन में कम यूज होता है, थ्री डायमेंशन और हायर ऑर्डर में ज़्यादा यूज होता है। सो फिर भी हम टू डायमेंशन में बात करेंगे। टू डायमेंशनल लेवी सिविटा, राइट? तो इसका फंक्शन क्या है? टू डायमेंशन का मतलब इट हैज टू इंडेसेस, राइट? ये अगेन दिस इज कोवेरिएंट, इट कैन बी कॉन्ट्रावेरिएंट, इट कैन बी मिक्स्ड टेंसर। सो इसकी इक्वेशंस क्या है? प्लस वन इफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू वन टू, राइट? जीरो
I is equals to j and minus 1 if I comma j is equals to 2 1. आपको ये क्लियर हो गया कि लेवी सिफ्टर सिंबल किस तरीके से वर्क कर रहा है? I epsilon ij is equal to plus 1 if I and j is equal to 1 and 2. सीक्वेंस ध्यान दीजिए 1 2, अगर ये 2 1 हो गया सो दिस इज -1 एंड इफ आई इज इक्वल टू देन इट इज 0 एंड इफ आई जे इज इक्वल टू 2 1 देन इट इज -1, राइट। अब इसे कंपेयर करिए विद, कंपेयर इट विद डेल्टा, क्रोने का डेल्टा फंक्शन, डेल आई जे इज इक्वल टू व्हाट आपने अभी क्या पढ़ा, प्लस 1 इफ आई इज इक्वल टू जे एंड 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। सो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन कुछ दिख रहा होगा कि दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। चलिए एक इक्वेशन में एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, एप्साइलन की मैट्रिक्स, एप्साइलन 1 1, एप्साइलन 1 2, एप्साइलन 2 1, एप्साइलन 2 2। अब इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एप्साइलन 1 1 है तो क्या हो जाएगा 0, एप्साइलन 2 2 है तो क्या हो जाएगा 0 बिकॉज आई एम जे इज 0, एप्साइलन 1 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 एंड एप्साइलन 2 1 हो जाएगा तो -1। दिस इज अवर एप्साइलन, टू डायमेंशनल लेवी सिफ्टर, राइट। अब क्रोने का डेल्टा को अगर इसी तरीके से लिखेंगे डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2, डेल्टा 2 1, डेल्टा 2 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 0 0। सो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन दिख जाएगा, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। जहाँ जहाँ एप्साइलन की वैल्यू 0 है वहाँ डेल्टा की फंक्शन 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, और जहाँ पे एप्साइलन नॉन जीरो है वहाँ पे क्रोनिक का डेल्टा 0 हो जाता है। टू डायमेंशनल लेवी सिफ्टर सिंबल, वी विल टॉक अबाउट थ्री डायमेंशनल लेवी सिफ्टर सिंबल। थ्री डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, आई जे के हो जाएगा, थ्री इंडेसेस हो जाएंगे। सो आई जे के इज इक्वल टू प्लस 1 इफ आई जे के, ये तीनों क्या हो जाएंगे सिमेट्रिक इवन परमुटेशन होंगे। इवन परमुटेशन का मतलब आई जे के इक्वल टू 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 2, इवन परमुटेशन 1 2 3 2 3 1, राइट 3 1 2 एंड दिस इज 0 इफ दिस आई इक्वल टू जे और जे इक्वल टू आई के और के इक्वल टू आई। इनमें से कोई भी दो इंडेक्सेस सेम हो जाएंगे तो लेवी सिफ्टर का जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। -1 इफ दिस इज आई जे के की वैल्यू इस तरीके से है कि वो ऑड परमुटेशन दे तो क्या हो जाएगा 1 3 2 और 2 1 3 और 3 2 1, इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सो इस तरीके से हमारे पास क्या मिल गया, हमें थ्री डायमेंशनल लेवी सिफ्टर सिंबल की वैल्यूज मिल गई। लेवी सिफ्टर सिंबल बहुत ही यूज होता है टेंसर एनालिसिस में। सो अगेन ध्यान दीजिए, दिस इज आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू प्लस 1 इफ इट इज इवन परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन, राइट, एंड हियर -1 इफ इट इज ऑड परम्यूटेशन। इसके अलावा 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन भी आपको मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको जनरलाइज लिखना है एन डायमेंशनल लेवी सिफ्टर एप्सिलॉन आई जे के, और इस तरीके से चलता जाएगा, या फिर आई जे के की जगह आप लिखिए I1, I2, I3 and so on, right? So plus 1 if I1, I2 has even permutation. Zero if any two indices index are same. -1 if I1, I2
हैज और परमुटेशन, ओके। सो नाउ लेवी शिफ्टर सिंबल आपका जो है कम्प्लीटली जो है डिस्क्राइब हो गया। लेवी शिफ्टर सिंबल जो है टू डायमेंशन में बहुत ही कम यूज होता है एंड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डेल्टा फंक्शन। देन थ्री डायमेंशनल लेवी शिफ्टर सिंबल आई जे के प्लस वन कब होगा, जब इवन परमुटेशन होगा, माइनस वन कब होगा, जब ऑड परमुटेशन होगा, एंड जीरो इफ एनी टू आर सेम। और इसी तरीके से एन डायमेंशन लेवी शिफ्टर को आप डिफाइन कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं।